नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे साथ आप भी आज ये शारदा का मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानं च देहि मे। ओम नमस्ते शारदे देवी। ओम नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी, त्वाहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानं च देहि मे। धन्यवाद आप सबका। लास्ट टाइम हमने किया था, कल वाले क्लास में हमने च छ ज ज ञ किया था। एक बार फिर थोड़ा रिवाइज करते हैं कल वाला। पहले किया था हमने कल च वर्ग किया था, उसमें हमने च किया था, च छ ये ऐसे नीचे से आना चाहिए इसके साथ, च छ ज ज, और यहां पर ये बिल्कुल ऐसे गोलाई में लाना है जैसे ए में हमने किया था। ए में हमने ऐसे किया था, ये हमने ए और आई में किया था, और यहां पर ये बिल्कुल गोलाई में लाके और यहां पर फिर वापस में ऐसे करना है। ये ज और न्य और इसमें भी जो ये लाइन है, इस लाइन को ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस, यहीं पर रोकना है, क्योंकि अभी बहुत सारे अल्फाबेट्स हम देखेंगे, लेटर्स, जिनको हमने इस लाइन से क्रॉस कराना है। सिमिलैरिटी इन लेटर्स है, तो इसमें ध्यान रखना है। जो ये न्य है, इसमें हमने, फिर बता रहा हूं, इस लाइन से, ये इस लाइन से क्रॉस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस, कुंडा जैसा होना चाहिए बिल्कुल। ये हमने कल किया था, च जो हिंदी में हम लिखते हैं, च हिंदी में लिखते हैं छ, ज ज और न्य। ये हम कल था, कल का लेसन था। अनफॉर्चुनेटली मैंने कल लाइव क्लास नहीं ले सका, ड्यू टू सम काम था। आज हमने, आज का क्लास, पहले क वर्ग था, फिर च वर्ग था, अब ट वर्ग करना है। ट पहले मैं हिंदी में लिखता हूं। आज क्या करना हमने, ट ठ ड ड न न ट ड ड न, ये आज हम, आज हमारा लेसन यही है। शारदा में अब ट को कैसे लिखते हैं, शारदा में ट जो है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं एक ही लेटर पहले, ट, ये थोड़ा सा पैरेलल लाना पड़ेगा आपको, पैरेलल यहां से और यहां से। जैसे कल हमने
ज में लिया था, ज में हमने ऐसे नीचे लिया था या न में लिया था ऐसे नीचे लिया था, ये पैरेलल होना चाहिए, दिस ऑलमोस्ट पैरेलल। तो अबोशिरो रेखा ये ट है, ट सारे लिखेंगे, फिर लिखेंगे ट, ट एक बार फिर लिखेंगे, तीन तीन बार लिखेंगे हम ट, और यहां से छोटी सी एक लाइन, कलम से जब वो लाइन डाली जाती है तो वैसे ट्रायंगुलर बनती है, आप छोटी एक लाइन भी डाल सकते हो। ये था ट। अब इसके बाद नेक्स्ट है ठ, जो देवनागरी वाला ठ है, इट इज लाइक दिस। इस ठ को हम शारदा में कैसे लिखते हैं, बिल्कुल ओवल, बिल्कुल सर्कुलर, थोड़ा सा ये सर्कुलर भी नहीं है कह सकते हैं, ओवल शेप्ड इट्स ठ, कोई शिरोरेखा नहीं, कोई अपर लाइन नहीं। एक बार फिर लिखेंगे ठ, ठ मैं एक बार फिर लिखता हूं, ठ ठ ट के बाद ठ। अब है ड, देवनागरी वाला ड। ड को हम शारदा में जब लिखते हैं अगेन, जो ये लाइन है इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, ये ड है, यहीं पर इसको थोड़ा सा सर्कुलर बनाना है एंड में, ड ये कुछ लेटर्स बिल्कुल सिमिलर है, अभी आगे हम पता चलेगा जब सारे लेटर्स हम करेंगे, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, इट शुड नॉट क्रॉस दिस लाइन, इस लाइन को क्रॉस नहीं होना चाहिए, अगर क्रॉस हो गया तो वो ब बनेगा, वो हम आगे देखेंगे, सो इसका ध्यान रखना हमने, ये ड है, ट ठ ड। नाउ नेक्स्ट इज ड, डकन वाला ड, ड डकन, ये ड। इस ड को जब हम लिखते हैं ड, इसमें ये फिल नहीं करना है, ये बिल्कुल सर्कुलर रहना चाहिए आगे, बाकी अभी तक जहां पर भी सर्कुलर हमने लिखा वो हमने फिल किया, यहां पर इट्स लाइक दिस ड। ड और लास्ट में हमने है रन, न न को, न को हम लिखते हैं ऐसे बिल्कुल वी शेप्ड, और यहां से लेना है तीन, कोई शिरोरेखा नहीं, बिल्कुल ऐसे
बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस. बिल्कुल तीनों एक ही सीध में, लाइक दिस. इट इज न. एक बार एक साथ लिखेंगे आज का. पहले ट, ऑलमोस्ट पैरेलल ट, ठ, ठ, ट, ढ, न, ये आज का लेसन था. ट, एक बार फिर देखेंगे. ट, ठ, ड, न. एक लास्ट में प्रार्थना करेंगे. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद बहुत बहुत. थैंक यू महाराज. थैंक यू. प्रणाम महाराज.